कैसे आप लोग दोस्तों। तो आज हम उस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, एटलीस्ट ये उन मूवी में से है जिस मूवी को ना आप एटलीस्ट जब थिएटर से निकलते हो तो कहीं ना कहीं आपके वो मतलब ना ब्रेन में चलती रहती है, वो दिमाग में आपकी कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं। और अगर आप किसी पर्सन के साथ में हो तो कहीं ना कहीं आप दोनों पर ये कन्वर्सेशन होती रहेगी कि क्या उस लाइफ में उस समय पर ये क्या जिया गया है। हम बात कर रहे हैं उस मूवी का द कश्मीर फाइल्स, जिसमें ना कश्मीर के हम उस साइड को सिर्फ जान रहे हैं जहाँ पर सिर्फ हमें खूबसूरती दिखाई जाती है। जन्नत के बारे में हम लोग बात करते हैं, कश्मीर एक जन्नत है, तो उसकी जो रियलिटी है ना, जो सेकंड हाफ है, जिसको हाफ दूसरे ओर है, उसको किस हिसाब से ट्रुथ को दिखाने की कोशिश की है अग्निहोत्री जी ने, और क्या कमाल का काम किया है यार। पुष्कर का जो रोल निभाया है हमारे अनुपम सर ने, क्या रोल निभाया यार। और फिल्म इतनी अच्छी, इतनी मतलब ना, मैं अगर एक वर्ड में बात करूं इस मूवी की तो यार स्पीचलेस है। अगर बात करें हम टोटल अगर फिल्म की, तो आप लोगों को पता है उसमें अनुपम खेर जी हैं, उसके बाद में मतलब कि मिथुन चक्रवर्ती सर भी, उसके साथ में कई सारे एक्टर हैं, सभी एक्टर ने दिल रुला देने वाली की, और ऐसे ऐसे बीच में मंजर हैं, ऐसे ऐसे सीन्स हैं, और यहाँ पर एक रात में ऐसा कुछ हो जाता है जिसके बाद में पूरी लाइफ किसी की चेंज हो सकती है। हम लोग तो यहाँ से बैठे हुए हैं, जिन पे ये सफ़र कर रहे थे उन लोगों पे क्या बीती होगी, हम यहाँ पर बात क्या समझ कुछ भी नहीं सकते हैं। तो हम बात करें इस मूवी के अगर प्लॉट के बारे में बात करें, तो आप लोगों को पता ही होगा ये मूवी उन समय की बात है जहाँ पर कश्मीरी पंडित को, उन कम्युनिटी को रातों रात बेघर कर दिया गया था, कितने को मारा गया था, उसके बाद में वो निकल गए थे, जिसमें से रोल प्ले कर रहे हैं अनुपम सर पुष्कर का, वो कहीं ना कहीं अपने यंग जनरेशन से लेकर अपने ओल्डेस्ट जनरेशन को पूरी उनकी जर्नी को दिखाती है वो, और वो इस मतलब याद में रहते हैं। और इस सोचिए आप किस याद में रहते हैं इस मूवी की, कि मैं अपने घर कभी लौट पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, इस प्रकार के बारे में वो सोचते रहते हैं इस मूवी की बिहाफ से। उनका जो रोल प्ले है यार, हैट्स ऑफ यार, मतलब फिल्म क्या रियलिटी को शो करती है, किस हिसाब से ट्रुथ को बताती है। इस मूवी को आपको बेहद जाके देखना चाहिए, आप इस मूवी को कहीं भी साइड मतलब नहीं रख सकते। मैं बात करूँ रिव्यू की यार, तो ये मूवी ना रिव्यू के लायक मूवी नहीं है, ये इमोशन है यार, रिव्यू इसकी कोई नहीं कर सकता। मैं आपको अगर लिटरली बताऊँ इस मूवी का रिव्यू कोई नहीं कर सकता, ये इमोशन है, वो पन्ना है जिसे हम लोगों ने छोड़कर आगे बढ़ चुके थे, जिसे हमें अभिनेत्री जी की वजह से हम उसे पन्ने को दोबारा देख पा रहे हैं, वरना शायद हम इस कश्मीर कि जो इस पन्ने पे जो बीता हुआ था इस कल को हम लोग कभी शायद पलट के देखते ही नहीं। तो अगर आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं एक बार मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप बिल्कुल जाकर एक बार तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा, आप इस मूवी पे डिनाई नहीं कर सकते, इतनी अच्छी फिल्म है और इतनी अच्छी से प्रेजेंट किया है अग्निहोत्री जी ने। ऐसा बात नहीं कि मूवी कॉन्सेप्ट कंटेंट अच्छी है तो मतलब कि फिल्म अच्छी है, ऐसा बात नहीं है, फिल्म को प्रेजेंट भी करना काफी अच्छा है, जिस प्रकार से अग्निहोत्री जी ने प्रेजेंट किया वो भी काबिले तारीफ रूप से किया है। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर इसी तरह से बने रहेगा किसी भी मूवी के अपडेट और रिव्यू के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा दोस्तों। बाय बाय।